आज सुबह 4:30 बजे बाहू फोर्ट फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर एक हादसा हुआ। हादसे में एक ट्रक, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ी तेज़ी से आ रहा था, उस ट्रक ने एसपीओ रजत चौधरी को कुचल दिया। एसपीओ रजत चौधरी शहीद हो गए। बताया ये जा रहा है कि वो उस समय अपनी ड्यूटी पर थे, उन्होंने ट्रक को चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन ट्रक जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा था और ब्रेक नहीं लग पाई। ट्रक जो है वो सामने जो डंपर आपको नज़र आ रहा है उस डंपर के साथ टकरा गया। नतीजे में जो एसपीओ रजत चौधरी हैं वो शहीद हो गए, और साथ ही में जो ट्रक है उसको आप फ्रंट पोर्शन देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से डैमेज्ड है। ट्रक के ड्राइवर को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ है, उसके पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, और ये सामने ट्रक की हालत ही बयान करती है कि कितना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। ट्रक का नंबर TN29BL3747 है, और साथ ही में डंपर जो है, डंपर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक का फ्रंट पोर्शन बुरी तरीके से डैमेज होने की वजह से जो ड्राइवर है वो भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ है। एसपीओ रजत चौधरी को इमीडिएटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया, लेकिन जिस समय वो वहाँ पहुँचे उस समय डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, और बताया जा रहा है कि उन्हें काफ़ी क्रिटिकल हेड इंजरीज थी जिनके कारण उनकी मौत हो गई। सत्ताईस वर्षीय रजत चौधरी जो कि एसपीओ के तौर पर यहाँ पोस्टेड थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बिश्नाह के रहने वाले हैं, और साथ ही में फरवरी के महीने में उनकी शादी होने वाली थी। पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। चलो